नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ कीर्ति सिंह। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। किसान सेवा सहकारी समिति ताखा में चल रही है कालाबाजारी, डीएपी खाद होने पर भी नहीं दी जा रही। किसानों का कहना है मैं सहकारी समिति पर काफी दिनों से चक्कर काट रहा हूं, डीएपी खाद नहीं मिल पा रहा है। वहीं समाजवादी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष अनुज यादव ने किसान सेवा सहकारी समिति पर लगातार 10 दिनों से किसानों को लौटता हुआ देख रहा हूं, जबकि किसान सेवा सहकारी समिति पर डीएपी खाद पर्याप्त है। ब्लॉक अध्यक्ष अनुज यादव का कहना है जो सरकारी पॉइंट बनाए गए हैं वहां पर 1500 रुपए की बोरी वितरण की जा रही है। मैं 10 दिनों का समय ले रहा हूं, अगर ये संशोधन नहीं हुआ तो समाजवादी पार्टी सहकारी समिति में बैठकर धरना प्रदर्शन करेगी। गौरव शाक्य की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनुज यादव है, मैं समाजवादी पार्टी इश्ताका से ब्लॉक अध्यक्ष हूँ। अच्छा, ये जो सहकारी समिति पर आपने धरना प्रदर्शन किया है, क्या निरीक्षण है इसका? देखिए, अभी हमारा यहाँ कोई धरना प्रदर्शन नहीं है। आप भी जानते हैं जो कर्मचारी 10-15 साल जिस सोसाइटी में रुक जाते हैं उसके वहाँ संबंध हो जाते हैं। अच्छा। यहाँ 10 दिन से मैं देख रहा हूँ बराबर किसानों की यहाँ भीड़ लगी हुई है और सुनने में ये भी आया है कि यहाँ से खाद ब्लैक भी है। आज मैं यहाँ आया था, यहाँ मैंने सचिव महोदय से बात की है और आज बात करके अगर इसमें संशोधन नहीं हुआ, किसानों को यहाँ परेशान किया गया, तो समाजवादी पार्टी यहाँ धरना प्रदर्शन करेगी। अच्छा, क्या नाम है आपका दादा? मेरा नाम राधा कृष्ण कटेरिया। अच्छा, आपको खाद मिली या नहीं मिली? नहीं मिली। कब से आप आ रहे हैं? हम अब 2-4 करीब 8 दिन से चक्कर लगा रहा हूँ। अच्छा, क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, क्या बोल रहे हैं? यहाँ बोल रहा हूँ खाद चाहिए हमको और क्या चाहिए। अच्छा, जो सहकारी समिति पर आप बोल रहे हैं वो कुछ तो कह रहे होंगे? वो आज की कल कर रहे, आज नहीं कल मिले, कल नहीं परसों मिले, गाड़ी आ जाए तब मिलेगी और क्या बोल रहे हैं मेरे बार बार। अच्छा ठीक, खाद गोदाम में रखी है। अच्छा, यहाँ सरकारी समिति पर कर्मचारियों के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, अभी मैं आया हूँ और हर सोसाइटी पर समाजवादी पार्टी के लोग जा रहे हैं और हमने सचिव महोदय से बात की है, खाद पर्याप्त है और सभी को मिलेगी और 10 दिन का मैं समय भी देख रहा हूँ। अगर खाद किसानों को नहीं मिलेगी, किसानों को अगर परेशान किया जाएगा, तो समाजवादी पार्टी इस सोसाइटी पर धरना प्रदर्शन करेगी। और एक हमारी मांग और है, जो सरकारी पॉइंट बनाए गए हुए हैं वह 1200 की जगह पर 1500 रुपये की खाद किसानों को दे रहे हैं। सारे के सारे पॉइंट प्रशासन उसकी जाँच कराए और जो पॉइंट का वहाँ है संरक्षक वो दोषी पाया जाए तो उसके खिलाफ कार्रवाई। बिल्कुल सही बात, यही है किसान परेशान है, हम लोगों के पास रहा तब तक हम लोग बांटते ही हैं। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।